जय हिंद साथियों, मैं इशार अहमद कंपटीशन कम्युनिटी के इस छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो आपका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर बनने का, उसके प्रति आप बिल्कुल समर्पित हैं और साथ में एक युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले भावनाओं को हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करें, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ें। तो लेखक कहता है, जिस नजर से आप दुनिया को देखोगे आपको दुनिया वैसे ही नजर आएगी। और ये बात बिल्कुल सही है साथियों। मान के चलो एक तथ्य दिमाग में जरूर घूमता होगा साइकोलॉजिकली कि अभी तक के जो है परीक्षा का डेट निर्धारित नहीं किया गया है, लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक चरण संपन्न हो चुका है जो कि आपका है मेजरमेंट का। और हमारा उद्देश्य है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर बनने का, तो हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए प्रीलिम्स निकालना। तो प्रीलिम्स के लिए हम जितना बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करेंगे उतने बेहतर हम होते जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए जो आपका याद रखिएगा, अपना नजरिया जो है वो बेहतर रखना है। और जो हमें प्रीलिम्स निकालने वाले पोर्शन का जो ये स्मार्ट स्टडी वे चल रहा है 25 जुलाई से 25 अगस्त तक के, इसमें परफॉर्म करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो सारे टॉपिक्स को सीरियस लेके, आपका क्वेश्चंस को सीरियस लेके बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, मैं ये आशा करता हूं। मेरी बातें भी समझ में आई होगी आप लोग को। अब जो है हम सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, तो इसके बारे में मैंने बताया था छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के बारे में, क्लियर। अब देखो साथियों, अगर देखा जाए भारत के भूगोल में, तो आपका आज पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, हमने इससे पहले देखा था, सबसे पहला हमारा क्लास देखे तो भारत का भौगोलिक, आपका भौगोलिक स्थिति में विस्तार देखा। उसके पश्चात हमने क्या देखा, भारत का हमका एक, हमें एक परिप्रेक्ष्य में देखा कि भारत का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन में पर्वत पठारों में हमने भारत को बांट दिया, तटवन द्वीप को बांट दिया। उसके पश्चात जो है हम क्या पढ़े, आपका जलवायु के बारे में। जब जलवायु पढ़े तो मानसून लाए, और मानसून लाए तो क्या हो गई, वर्षा हो गई। और जब वर्षा हो गई छात्रों, तो हम क्या करें, नदी अपोहा तंत्र के बारे में पढ़े। अब नदी अपोहा तंत्र तो हमने पढ़ लिया, अब नदी अपोहा तंत्र में क्या बह रहा है, वर्षा हुई है तो पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है नदी में, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, परियोजनाओं का निर्माण करेगी, बांध बनाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा बांध, और बांध में फिर सिंचाई करेंगे, और सिंचाई के बाद जो है अपना कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लियर है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। आइए अब सत्र स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि भारत में ये प्रमुख बांध हैं, जिससे सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि फलाना बांध कौन से, आपका क्या बोलते हैं, नदी में स्थित है, मतलब कि कौन सा बांध कौन से नदी में स्थित है, यहाँ से जो है सीधा प्रश्न उठा के पूछता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है इसे याद करना, मैपिंग करके नहीं, मैपिंग करके जो है नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैपिंग करके याद करेंगे तो आप लोगों को दिमाग में सेट रहेगा और आप परीक्षा हॉल में इसे आप सही बना के आएंगे, क्लियर। तो आइए देखें, आगे बढ़े और एक बार याद भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिखाई दे रहा है थीन परियोजना जो कि रावी नदी पे स्थित है, यहाँ आपको देख सकते हैं थीन परियोजना कौन सी नदी में स्थित है, रावी नदी में स्थित है आपका थीन परियोजना, क्लियर। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं सिंधु नदी अपोहा तंत्र के बारे में, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय नदियों के अंतर्गत आता है ये, और इसमें जो प्रमुख बांध है यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न जो है आपको पूछ देगा परीक्षा में, तो ये बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए पोर्शन, है ना। तो सिंधु नदी के बारे में क्या पढ़ा था हमने, हमने सिक्वेंस देखा था कि सतलज ब्यास रावी और आपका चिनाब झेलम और आपका मतलब सिंधु नदी, उसके बारे में क्लियर किए थे अपन। तो इसमें जो है आपको याद रखना है थीन परियोजना जो कि आपका रावी नदी पे है, वैसी सलाल बगलिहार परियोजना किसमें है आपका, चिनाब नदी पे स्थित है, क्लियर। वैसी सतलज नदी में देखेंगे तो भाखड़ा नागल बांध और नाथवा झाकरी बांध, क्लियर दिख रहा है सब कोई को, तो आपका भाखड़ा नागल बांध और नाथवा झाकरी बांध किसमें है आपका, सतलज नदी में स्थित है। तो ये याद होना अनिवार्य है, इतना तो याद होना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा गया है अभी विगत 4 से 5 साल की परीक्षाओं में, तो इतना क्लियर होना चाहिए, क्लियर। मैपिंग करके एक बार याद जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद दक्षिण भारत में अगर पूछा जाता है नदियों से, तो यहाँ से जो है याद रखना है आपका माता टीला परियोजना, यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा नदी में स्थित है, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा नदी पे कौन सा आपका बांध स्थित है या परियोजना स्थित है, तो माता टीला परियोजना स्थित है, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा सरदार सरोवर बांध जो कि आपका किसमें है, नर्मदा नदी में स्थित है,
क्लियर। वैसे ही आगे देखिए, ताप्ती नदी में आपका उकाई परियोजना है, गोदावरी नदी में आपका पोचमपाद परियोजना स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा है ना, आगे और प्रश्न करके जो है हम सारा चीज क्लियर करेंगे। नागार्जुन सागर देखेंगे तो कृष्णा नदी में है और कावेरी नदी में स्थित है शिव समुद्रम बांध। तो यहाँ से जो है आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है साथियों, ठीक है। तो मैपिंग करिए और ये स्क्रीनशॉट लेके बेहतर तरीके से एक बार ये सीक्वेंस याद जरूर करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से जो है हमारा प्रश्न सत्र जो है प्रारंभ होता है। देखो भाई, प्रश्न पूछ रहा है आपका, भाखड़ा नागल बांध किस नदी में बनाया गया है, ठीक है, या बनाया गया किस नदी में, क्या पूछ रहा है, किस नदी, किस नदी में। तो अभी साथियों मैंने आप लोग को बताया, यहाँ आप लोग को एक बार दृश्यम दिखा दूं कि भाखड़ा नागल बांध, यहाँ देख सकते हैं आप, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी में स्थित है, क्लियर है, किसमें है आपका, सतलज नदी में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतलज नदी में स्थित है आपका भाखड़ा नागल बांध, क्लियर है। आइए आगे बढ़े, अब यहाँ देखिए भाखड़ा नागल बांध की विशेषता। भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है। तो याद रखिएगा साथियों, भाखड़ा नागल जो है वो आपका पंजाब हरियाणा और राजस्थान, क्या क्या बोला मैंने, पंजाब हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है, मतलब बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि यहाँ की सिंचाई में सहयोग देता है और यहाँ का जो है आपका ये बहुउद्देशीय परियोजना है, क्लियर है। इतना क्या क्या है, भाखड़ा नागल बांध आपका पंजाब हरियाणा और राजस्थान, याद होना चाहिए तुरंत 100% कंसंट्रेशन के साथ, यहाँ सारी चीजें याद करनी है आप लोग को, क्लियर। आगे बढ़े, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा साथियों, आपका कहाँ दिख गया, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना आपका बनाया गया है किसमें, नर्मदा नदी में, किसमें, नर्मदा नदी में, जो कि कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश, ठीक है, हिंट भी किया है यहाँ, तो आपका नर्मदा नदी में किसका है, क्या है आपका, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है हमारा, गांधी सागर बांध किस नदी पर है। याद रखिएगा साथियों कि यमुना नदी की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी, जो कि पिछले नदी अपवाह तंत्र में हमने पढ़ा था, ये जो स्थित है आपका गांधी सागर बांध, इसमें स्थित है किसमें, चंबल नदी में। अब इससे दो बातें और आती है कि चंबल नदी में दो और परियोजनाएं, कौन कौन सी आपका, एक जवाहर सागर, जवाहर सागर, क्लियर, उसके बाद आपका एक है महाराणा, महाराणा सागर बांध। लेकिन चंबल नदी में ये दो हैं और ये गांधी सागर कहाँ है, गांधी सागर याद रखना है साथियों आपका है एमपी में, मध्य प्रदेश में चंबल नदी में। लेकिन याद रखना है जवाहर सागर और महाराणा सागर बांध जो है आपका, ये दोनों है आपका राजस्थान में, क्लियर है। क्या बताया मैंने, गांधी सागर बांध चंबल किस नदी पे है, तो चंबल नदी में है और मध्य प्रदेश में, क्लियर। लेकिन आपका चंबल नदी में दो और बांध है जिसका नाम है जवाहर सागर और महाराणा सागर, ये स्थित है आपका राजस्थान में, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पैठन जल विद्युत परियोजना भारत में कहाँ स्थित है। एकदम सोच समझ के बनाना है ना और याद भी करते जाना ही नहीं, पैठन जल विद्युत परियोजना भारत में कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा भारत में स्थित है ये महाराष्ट्र में, ठीक है, और कौन से नदी में बोलेगा, तो याद कर लीजिए गोदावरी नदी पे स्थित है आपका पैठन जल विद्युत परियोजना, क्लियर है, कौन सी नदी में है, गोदावरी नदी में, क्लियर। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है हमारा, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वो स्थित है चिनाब नदी में, कौन सी नदी में स्थित है, चिनाब नदी में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में, क्षमा चाहूंगा, ठीक। आगे बढ़े,
अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध आपका प्रोजेक्ट स्थित है कृष्णा नदी में, और इसमें एक और याद रख लीजिएगा, कृष्णा नदी में आपका अलमाटी 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 बांध भी जो है आंध्र प्रदेश में है आपका कृष्णा नदी में। क्लियर, आगे बढ़े तो आपका ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। ओके, वो गोविंद वल्लभ सागर या गोविंद वल्लभ पंत सागर ऐसे बोलते हैं इसको, ये है आपका रिहंद नदी में आपका उत्तर प्रदेश में, कहा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे दिख रहा, उत्तर प्रदेश दिख रहा था इसलिए ऊपर से चले गए, क्षमा चाहूंगा, आपका उत्तर प्रदेश में है गोविंद वल्लभ सागर रिहंद नदी, जो कि छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है उत्तर छत्तीसगढ़ की, वो आपका उसी में स्थित है गोविंद वल्लभ सागर उत्तर प्रदेश में। क्लियर, आगे बढ़े, आइए। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अभी बताया मैंने आपको, अलमाटी बांध जो है वो किसमें स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। किसमें है? कृष्णा नदी में है आंध्र प्रदेश में अलमाटी बांध। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, उत्तराखंड स्थित टिहरी, टिहरी होगा ना भाई वो, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध 261 मीटर लगभग का है ये जो है आपका भागीरथी नदी के पे स्थित है। क्लियर, टिहरी बांध भागीरथी के में स्थित है और आपका सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर, आगे बढ़े, आइए। अब जो है साथियों, यहाँ हम जो है कंप्लीट किए अभी तक के जितने भी बांध और परियोजनाओं से तथ्य थे उसे, अब जो है हम जो है कृषि की ओर आगे बढ़ेंगे, आइए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत, याद रखिएगा प्रतिशत, ठीक, वाला राज्य है आपका, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है आपका पंजाब। क्या है? पंजाब। एकदम जो है आप लोगों के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग जो तथ्य है उसमें जो वन लाइनर फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका उस प्रकार के प्रश्न हम कर रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आइए। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है हमारा, कूट पे आधारित प्रश्न है, एकदम सोच समझ के बनाएंगे। क्लियर, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म सिंचाई से क्या तात्पर्य है। देखो, ज्यादा डीप में नहीं जाके हम आराम से समझते हैं सूक्ष्म सिंचाई किसे कहा जाता है। तो आप देखे होंगे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में फव्वारा और आपका ड्रिप सिस्टम वाला जो सिंचाई हो रहा है अधिकतर जो है किसान परिप्रेक्ष्य से, छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, ठीक है, मेरे घर कुछ किसान से संबंधित है, कृषि कृषक व्यक्ति है सब, तो आपका देखे हैं कि आपका फव्वारा सिस्टम से जो है क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है आपका कम जल के माध्यम से अधिक सिंचाई हो जाती है, ठीक है, साथ में ड्रिप सिस्टम में जो है उर्वरक डाल के उसमें जो है ड्रिप डाला जाता है, तो उर्वरक उर्वरक क्षमता जो उर्वरक डाला जाता है उससे जो है आपका क्या है, ज्यादा उर्वरक का भी नुकसान नहीं होता है ना। तो क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है साथियों कि सूक्ष्म सिंचाई जो है अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर है, जिससे हम क्या करते हैं आपका पोषक जो है उर्वरक और पोषक हानि कम की जाती है। क्लियर, तो ये कहना चाह रहा है कि मृदा से उर्वरक और पोषक की हानि कम की जाती है। क्लियर, देन उसके बाद यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो वर्षाधीन खेती या आपका वर्षाधीन खेती यानी वर्षा के अलावा खेती कोई सी है तो उससे क्या बोलते हैं, ये एकमात्र साधन ऐसा नहीं है, बहुत सारे साधन है, आपका ट्यूबवेल हो गया, इन सब चीज से साधन किया जाता है, लेकिन ये नहीं है एकमात्र साधन, ठीक है। देखे होगे ना, ड्रिप सिस्टम से जो कृषि की जाती है और आपका फव्वारा सिस्टम से जो कृषि की जाती है वही जो है सूक्ष्म कृषि के अंतर्गत आता है। क्लियर, उसके बाद है आपका, इसके कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। जो भूमिगत जल होता है ना साथियों, उसका स्तर जो है अभी वर्तमान में दिन प्रतिदिन जो है वो कम होता जा रहा है, तो इस विधि से या सूक्ष्म सिंचाई की विधि से जो है आपका भूमिगत जल को भी कम किया जा सकता है। क्लियर, तो ये भी सही होगा। तो कौन कौन सा सही हो गया? पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ होगा आपका आंसर केवल एक और तीन सही है, जबकि दो गलत है। क्लियर, तो इस प्रकार से इसे समझा जा सकता है। आगे बढ़े, आइए।
अगला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप के सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य। तो याद रखिएगा, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला अगर राज्य कहा जाएगा तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ गए उत्तर प्रदेश महोदय? यहाँ जो है आपका नलकूप और कूप की सहायता से अत्यधिक जो है आपका कृषि की जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए साथियों, ये एक ब्रिटिश आपका इरिगेशन इंजीनियर थे जिनका नाम था आपका सर आर्थर कॉटन। यहाँ से प्रश्न जो है पूछने की आशंका बहुत हो जाती है कि दक्षिण भारत के अगर कृषि से संबंधित प्रश्न पूछ बैठा तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है आपका सर आर्थर कॉटन को कहा जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। आइए अगला है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भूभाग पूरा होता है। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है तो याद रखिएगा लघु परियोजनाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लघु परियोजनाओं। देखो पहला होता है आपका लघु परियोजना। ठीक, यहां आपको आराम से समझाता हूं। आइए साथियों, सबसे पहले क्या है आपका लघु वाला, यही वाला। ठीक, लघु परियोजना। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जिनका आपका 2000 हेक्टेयर से कम या 2000 या उससे कम हेक्टेयर के जो कृषक होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपका मध्यम। मध्यम लोग का रेंज क्या है आपका? 2000 से आपका 10,000। ठीक है, 10,000 यहाँ लिख दिया हूँ भाई। ठीक, मध्यम वाले क्या आएंगे? मध्यम परियोजन के अंतर क्या क्या आएगा आपका? आपका 2000 से 10,000 हेक्टेयर वाले। फिर उसके बाद आता है आपका वृहद। ठीक है, वृहद परियोजना। वृहद के अंतर्गत आते हैं आपके 10,000 से, अरे 1,00,000 हो गया क्या भैया? ठीक, 10,000 से ऊपर वाले जितने भी कृषक हैं वो आते हैं। तो अधिकतर अगर सिंचाई कहा जाएगा या सिंचाई परियोजना किसके अंतर्गत आता है या किसकी क्षमता सर्वाधिक है, तो आपका सिंचाई क्षमता किसकी सर्वाधिक है? तो लघु परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता सबसे सर्वाधिक है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला है, मंगलम सिंचाई परियोजना है, कहाँ है भाई बताइए कहाँ है? तो याद रखिएगा मंगलम सिंचाई परियोजना जो है आपका केरल में। क्लियर, मंगलम सिंचाई परियोजना से व्यापम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कहाँ है आपका? केरल में। ठीक, आगे बढ़े। आइए, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो आपका याद रखना है साथियों गंडक नदी से निकलती है, जो कि किसकी सहायक नदी है आपका? गंगा की सहायक नदी है। गंडक नदी से निकलती है आपका कौन सी? सारण सिंचाई परियोजना। ठीक है, सारण सिंचाई नहर जो है आपका। क्लियर, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल अगर पूछा, ये कई बार पूछ चुका है ना, तो याद रखिएगा हरिके बैराज। अब ये क्या है हरिके बैराज? तो याद रखिएगा साथियों, व्यास नदी, कौन सी नदी? व्यास नदी और आपका सतलज नदी के संगम स्थल में है आपका हरिके बैराज। और हरिके बैराज से निकलता है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों को जो है आबाद करके रखा है इंदिरा गांधी नहर। याद रखिएगा राजस्थान के लोग जो मरुस्थल क्षेत्र में रहते थे, जहां जल का अभाव था, उस क्षेत्र में जो है ये जीवन रेखा के रूप में कार्यरत है। कौन? इंदिरा गांधी नहर जो है। क्लियर, हरिके बैराज। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, देखो भाई कौन कौन सी नदी से करती है ये याद रखना है। तो आपका हाँ, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यास नदी, ये क्लियर है आपका। चिनाब नहीं आती, आपका रावी नदी। ठीक, और आपका सतलज नदी, ये तीन। तो 1, 3, 4 इसका आंसर होगा, कहाँ है? ये हो गया डी, 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इंदिरा गांधी नहर जो है किससे बनती है? तो व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। क्लियर है, इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने देखा कि हरिके बैराज जो है किसके किसके बीच में बताया मैंने आपका? व्यास नदी और सतलज नदी के जो है आपका संगम पर। क्लियर, आगे बढ़े। आइए, अब यहाँ देखिए, अब जो है कृषि के क्षेत्र में भारत को कितने भागों में विभाजित किया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखें, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा
कृषि पारिस्थितिकी अगर केंद्र कहा जाएगा, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभक्त किया गया है वो आपका 20 क्षेत्रों में। अब ये क्यों होता है, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां की उच्चावच, ये सब चीज के दृष्टिकोण से भारत में, कृषि के दृष्टिकोण से भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है, तो आपका 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो ऐसे वन लाइनर फैक्ट जो है अभी के दृष्टिकोण में हमें याद रखना अनिवार्य है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, 1960 में वर्तमान के उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है आपका उत्तर प्रदेश में खोला था, लेकिन अब वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चले गया है। और याद रखिएगा उस समय उसका क्या नाम था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा साथियों उसका नाम है आपका गोविंद वल्लभ पंत के नाम से उन्हें रखा गया। क्लियर, आगे बढ़े, आइए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। क्या होता है भाई मिश्रित खेती, मिश्रित खेती का मतलब होता है, नॉर्मल वे पे समझना है कि किस खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। अब ये क्यों करेगा खेती के साथ पशुपालन करना, साथियों रबी की फसल और खरीफ की फसल में जो है क्या करता है किसान, अपनी खेती करता है। ठीक है, खरीफ की फसल में धान बोएगा और आपका रबी की फसल में गेहूं बोएगा, लेकिन उसके बीच में जो उसका समय बचता है उस समय वो उपयोगिता करके इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वो पशुपालन भी कर ले और उससे भी लाभान्वित हो सके, तो उसके लिए क्या करता है वो आपका पशुपालन करता है। तो ये सारी चीजें जो है खेती भी कर रहा है और पशुपालन भी कर रहा है, तो उसे ही कहा जाएगा आपका मिश्रित कृषि। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए ऑप्शन, नगदी और खाद्य दोनों सस्यों के साथ साथ खेती करना नहीं, दो या दो से अधिक सस्यों को एक ही खेती में उगाना ऐसा भी नहीं है, पशुपालन और सस्य उत्पादन के एक साथ को एक साथ करना क्या कहलाता है आपका मिश्रित कृषि का उदाहरण है। क्लियर, समझ में आया, मिश्रित खेती मतलब पशुपालन भी कर लेवा और साथ में क्या कर लेवा आपका खेती किसानी भी कर लेवा। ठीक, आगे बढ़े, आइए अगला है, निम्न राज्यों में खालिस्तान को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है, काफी अधिक है। ठीक है, देखो भाई प्रश्न घुमा के पूछा है तो एकदम सोच समझ के बनाना है। पंजाब में अधिक है, हरियाणा बीजेपी अधिक है, यहीं के लोग तो अभी बैठे थे ना आपका किसान आंदोलन में, उत्तर प्रदेश यहाँ के लोग भी बैठे थे, तो सिक्किम में जो है आपका अधिकतर भाग है जंगली क्षेत्र है, मतलब आपका वनों से आच्छादित है और 10% लगभग क्षेत्र यहाँ जो है कृषि किया जाता है, तो आपका सिक्किम इसका आंसर होगा, जहाँ क्या होगा आपका अत्यधिक मतलब आपका कम जो है कृषि होती है, बाकी जगह अत्यधिक कृषि होती है। क्लियर, आगे बढ़े, निम्न फसलों में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है। देखो भाई वाणिज्यिक फसल से क्या तात्पर्य है, के खरपतवार और सहखरपतवार बोलता हूँ, उर्वरक क्षमता बढ़ा के बेहतर समय तक की जो है मतलब आपका उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके उससे जो है अपने क्या उत्पादन क्षमता बढ़ा के लाभ प्राप्त करना है, इस प्रकार समझ सकते हैं हम किसको आपका नकदी फसल को। तो गेहूं जो है ये क्या है आपका रबी की फसल है ना, तो कपास जो है ये आपका किसके अंतर्गत आता है नकदी फसल के अंतर या सॉरी आपका वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर नकदी बोल दिया हूँ तो क्षमा चाहूंगा, वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत कौन आता है आपका कपास। क्लियर है, आगे बढ़े, भारत सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। तो याद रखिएगा वर्तमान परिपेक्ष में, तो पुराना पूछा गया प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में जो है आपका 23 फसलों पर क्या देता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये क्यों बताया जा रहा है साथियों, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-6 साल से किसान आंदोलन हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये सब जो है आपका उससे रिलेट करके सारे तथ्य याद रखना हमें अनिवार्य है। क्लियर, तो 23 फसलों पर क्या देता है आपका सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे बढ़े, भारत में पैदा की जाने वाली निम्नलिखित में से रबी काल की फसल कौन सी है, रबी काल की फसल। देखो भाई रबी काल की फसल क्या है, जो आपका कब ठंड के समय में बोया जाएगा और आपका बारिश के समय में बोया जाता है उसको खरीफ कहा जाता है। तो रबी जो है ऐसे सेंस लगा के चना कब आता है, ठंड के समय में आता है, और बाकी जो है क्या है खरीफ की फसल है, चावल खरीफ फसल है, कपास वाणिज्यिक भी पड़ा और खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, और चना क्या है आपका रबी की फसल है। क्लियर, ऐसे याद रखना हमारे लिए अनिवार्य है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद रखना है ठंड के समय में क्या होता है आपका रबी की फसल और आपका बारिश के समय में क्या होगा खरीफ की फसल। क्लियर, आगे बढ़े, आइए और भी बहुत सारी डिटेलिंग्स है उसकी, लेकिन हमें अभी स्मार्ट स्टडी वे पे पढ़ना है। क्लियर, आगे बढ़े,
कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो याद रखिएगा, हमारे आदरणीय सम्माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन कहा है? क्लियर, किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, कृषि भारत की आत्मा है। और बिल्कुल सही बात है साथियों कि कृषि जो है वो भारत की आत्मा है, और जो है इसके ऊपर बहुत सारे वार होते हैं, लेकिन जो है ये कौन सा क्षेत्र है आपका, जो MSP वाला क्षेत्र किसमें आता है? DPSP में आता है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, DPSP। तो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व उसमें आता है, तो उसमें जो है आप दावा नहीं कर सकते, और जो है सरकार इसमें सपोर्ट भी करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपका कृषि क्या है, भारत की आत्मा है, ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे बढ़े, आइए अगला है साथियों, वर्ष 1994, अरे बापरे 1994 2016 के लिए FAO द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये तो भाई ऐसा है कि दिख लग रहा होगा सर कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन याद रखिएगा साथियों कि वर्तमान में अगर गेहूं का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य, बड़ा आपका देश कौन सा है, तो वो होगा आपका चीन ही है, और इस समय भी आंसर चीन ही लिया गया है। ठीक है, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ है? चीन में उत्पादित होता है। क्लियर, तो इससे जो है आप जो है बाहर ज्यादा आप देख नहीं सकते, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इससे बाहर नहीं जाइएगा, क्योंकि कृषि से जो है पिछली बार परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा था, लेकिन अगर पूछ बैठा तो इतना पोर्शन जो है वो बेहतर है। क्लियर, ज्यादा मतलब एडवांस नहीं करना। परीक्षा कैसे निकलता है? परीक्षा ये ऐसे निकलता है कि क्या नहीं पढ़ना है ना, उस परिप्रेक्ष्य परीक्षा निकलता है। तो आपका इस स्मार्ट स्टडी वे पे जो है इतना ही कंसेप्ट रखें तो ज्यादा बेहतर है आपका कृषि वाले क्षेत्र में। ठीक है, और जो है इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।